मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आने वाले उपचुनाव में 27 विधानसभा सीटों पर जनता सबक सिखाएगी। जनता में कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर बेहद आक्रोश है। कांग्रेस के पोल खोल अभियान का जनता का भरपूर इस अभियान को समर्थन मिल रहा है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उपचुनाव को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मोड पे है। सर, कल ग्वालियर चंबल अंचल का भी दौरा किया है, क्या स्थिति लग रही है? देखिए, ग्वालियर चंबल की जनता कभी भी बिके हुए लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत हासिल की 20 महीने पहले, उन्होंने ही फिर 15 महीने बाद जनता के वोट को गिरवी रख के पैसे लेकर इस्तीफा दे दिया। क्या ये सही बात है? ग्वालियर चंबल के अनेक क्षेत्र में, चाहे वो रावगढ़ विधानसभा हो, चाहे लहार हो, चाहे पिचोर हो, चाहे भितरवार हो, चाहे सब्बलगढ़ हो, चाहे श्योपुर हो, वहां तो चुनाव नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वहां के विधायक बिके नहीं। लेकिन जो विधायक बिके, जिन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है, धोखा दिया है, अगर ऐसे लोग वापस खड़े होंगे भाजपा के टिकट से, इस बार जनता उनको नकारेगी। और जहां जहां प्रत्याशी का चिन्ह पंजा होगा, वही उसको जीत हासिल हो। देखिए, आज के समय पूरा मध्य प्रदेश और विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग का एक एक व्यक्ति ये बात जानता है कि भाजपा के लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, ध्वजिया उड़ाई है। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ की जनता ही भाजपाइयों को ठीक से उत्तर देगी। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से कल स्वागत किया गया, अनेक अनेक जगहों पर सम्मान किया गया सभी जो नेता हैं उनका, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं इस बार जनता में भारी आक्रोश है भाजपा के प्रति। और जैसा मैंने पहले कहा, जिनको भी कांग्रेस टिकट देगी वो सब जीत के आएंगे इस पूरे क्षेत्र से। कांग्रेस चुनाव मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि एक तरफ भाजपा के 15 साल, दूसरी तरफ कमलनाथ जी के 15 महीने। कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में वो काम करके दिखाया जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। हम बात करें कर्ज माफी के बारे में, क्या भाजपा ने 15 साल में एक बार भी कर्ज माफ किया? हम बात करें बिजली के बिलों के बारे में, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली किसने की? कांग्रेस ने की। किसानों के खेत के कनेक्शन के बिजली के बिल आधे किसने किए? कांग्रेस ने किए। गरीबों की पेंशन दोगुनी किसने की? कांग्रेस ने की। गौ माता की सेवा के लिए गौशाला किसने खुलवाई? क्या भाजपा ने कभी 15 साल में गौशालाएं खोली? कभी नहीं खोली। लेकिन कमलनाथ जी ने ग्रामीण क्षेत्र में हर एक बड़ी पंचायत में गौशाला खोलने की नीति बनाई। तो ये सब काम ऐसे हैं। हम बात करें जो भी भूमाफिया है उनके खिलाफ अभियान किसने चलाया? कमलनाथ जी ने चलाया। दूध डेयरी इनमें जो माफिया थे, जो काम करते थे मिलावट का, उनको किसने कार्रवाई की सबके ऊपर? कमलनाथ जी ने की। तो इस बात का एहसास जनता में है और इसीलिए मैं मानता हूं एक प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता भी इस बात को सोच रही है, सिंपति है कमलनाथ जी के प्रति कि नहीं, अच्छा काम कर रहे थे, मिले सिर्फ 15 महीने, लेकिन वो काम करके दिखाया जो भाजपा 15 साल में नहीं करता। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। साफ तौर पे पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह का साफ तौर कहना है कि जो जनता है वो कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल को याद की हुई है और साथ ही आने वाले चुनाव में उन 15 महीने के कार्यकाल को लेके कांग्रेस को उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत मिलेगी। कैमरा नागेश के साथ अतुल शर्मा, राज एक्सप्रेस, भोपाल।